Positive confession is only about just taking the word of God and speaking it, sending it forth into our problems so that our problems are changed by the power of God's word, which is in the word. सकारात्मक अंगीकार का मतलब यह है कि हमारे परिस्थितियों को लेकर परिस्थितियों में इस बातों को अंगीकार करें और उस परिस्थितियों को पूरी तरह से विश्वास में बोल बोल कर ठीक करें. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. The book of Acts chapter 19. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय. And let me read to you verse 20. और 20वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया. We've been teaching on the law of faith. विश्वास के उस प्रमाण के बारे में हम बात कर रहे थे. Because the Bible says faith cometh by hearing and hearing by the word of God. क्योंकि बाइबल कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता and, है. And the way you release faith is really by your words. और जैसे आप अपने विश्वास को रिलीज करते हो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होता है. That is part of the law of faith. और वही जो है विश्वास की व्यवस्था का एक भाग है. See, if you have faith, you have to release faith and send it forth to attack your problems. देखिए, अगर आपके पास विश्वास है तो तुम्हारे विश्वास को तुम्हें रिलीज करना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारे शत्रुओं पर तुम आक्रमण करो. God sent His word out in the vast darkness, saying, "Let there be light." परमेश्वर ने जो है अपने वचन को भेजा अंधकार में और कहा कि उजियाला हो जाए. That word was filled with faith and faith's power to go
एंड चेंज दैट डार्कनेस इनटू लाइट। और वह वचन जो है विश्वास से भरा हुआ था और अंधकार में भेजा गया कि अंधकार को वहां पर बिल्कुल खाली कर दे, उजाला हो जाए। वी नीड टू टेक आवर डार्कनेस एंड वर्क ऑन इट बाय सेंडिंग फोर्थ वर्ड्स, द वर्ड ऑफ गॉड कमिंग फोर्थ फ्रॉम आवर माउथ to go into that situation to change our situation. हमें जो है हमारे मुंह से विश्वास के शब्दों को बोलते वक्त जो है उसमें विश्वास को भर कर भेजना चाहे कि हमारे परिस्थितियों को बदल डाले। Exactly what God did. जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही हमें करना चाहिए। Because the words are like missiles. क्योंकि ये वचन जो है एक मिसाइल के रूप में है। It's loaded with God's power. परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए हैं। God's creative power. परमेश्वर की सृष्टि करने वाली सामर्थ्य। Darkness into light. वह जो है अंधकार को उजाले में बदल देती है। Emptiness into fullness. खालीपन को जो है भर देती है। It can change chaos and confusion into peace. सभी प्रकार के उलझनों को जो है शांति में बदल सकता है। Your words coming out of your mouth, if it's God's word, it'll do the same. तुम्हारे मुंह से निकलने वाले वो शब्द अगर विश्वास के शब्द हैं, तो वो बदलाव को ले आ सकते हैं। People don't understand how much power is in speaking the word of God. लोग इसको नहीं जानते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है। Now that is why in Christianity we have what is called confession. इसीलिए जो है मसीह में हम देखें तो अंगीकार बहुत बड़ा बात है। So I want to give some basic teaching on what this positive confession is all about. तो मैं कुछ बुनियादी सत्य दिखाना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव कन्फेशन क्या चीज। There are five areas, broad areas about which we need to make our confession. पांच मुख्य ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हमें अंगीकार करना चाहिए। About what God has done for us through Christ in redemption. परमेश्वर ने मसीह के द्वारा छुटकारे में हमारे लिए क्या किया है उसके बारे में। What the Holy Spirit is doing in us through His Word now. अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या कर रहा है उसके बारे में। Who we are in Christ. मसीह में हम कौन हैं। There are some confessions like, for example, you confess the lordship of Jesus. कुछ ऐसे अंगीकार हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के बारे में। Lordship of Jesus means that Jesus is your provider. यीशु मसीह की प्रभुता का मतलब है कि वही तुम्हारे सभी मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर। Your food comes from his table. That's what Lord is all about. तुम्हारा भोजन जो है उसकी मेज से आता है, वही उसकी प्रभुता का अर्थ है। That is why he is called Lord. इसीलिए उसे प्रभु कहते हैं। So we confess his lordship that he is our provider and supplier. तो हम उसकी प्रभुता का अंगीकार करते हैं क्योंकि वही हमारा प्रभु है, उसी के द्वारा सारी मांगे पूरी होती हैं। Another positive confession is every day you must say I have nothing to worry. दूसरा एक सही अंगीकार यह है कि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मुझे सब कुछ देता है। I have nothing to worry. I put all my cares upon him. मुझे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सारी चिंता उस पर डाल दी। Then you confess that you will never want anything any day in your life. Never ever want for anything in your life. उसके बाद तुम यह अंगीकार करते हो कि मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी या घटी नहीं होगी मेरी जिंदगी। Never be broke even one day in my life. अपनी जिंदगी में कभी भी एक दिन भी खाली हाथ नहीं रहूंगा। How can you say it? पूछ सकते हैं कैसे आप ऐसे कह सकते हो? That's what Psalm 23 says. That's what David said. भजन 23 में दाऊद यही कहता है। The Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। You begin to say also that every sin, sickness and sorrow and grief were borne by him, so I will not bear it. तो आप यह भी कह सकते हो कि सभी प्रकार की बीमारियां, दर्द, वेदना, सब कुछ जो है चिंताएं उसने अपने ऊपर ले ली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। You must confess that every day. उसे हर दिन अंगीकार करते रहिए। Negative confession is where you say I'm weak, I'm worn, I can't do anything, you know. I don't feel good. That's where negative confession. नकारात्मक अंगीकार में तुम कहते हो कि मैं खाली हाथ हूँ, मैं चिंतित हूँ, वेदना है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। Positive confession is Jesus is the strength of my life. मैं अपना सारा बल खो चुका हूँ, वही नकारात्मक अंगीकार है। यीशु ही मेरा बल है, वो सकारात्मक अंगीकार है। He is my life. वह मेरा जीवन है। He is my long life. वह मेरा दीर्घायु है। Say that because that is positive confession. इसे कहिए क्योंकि वह positive confession है। Now some people say this is wrong. कुछ लोग कहते हैं ये गलत बात है। Oh. You know, they say you are trying to use the word of God, manipulate God. You know. वो कहेंगे कि तुम परमेश्वर के वचन को जो है उल्टा सीधा कह रहे हो, गलत बात है। Jesus only said the word is a seed. यीशु ने खुद कहा था कि वचन एक बीज है। If you tell a farmer you are trying to use the word to, I mean, you are trying to use the seed to get something. अगर आप एक किसान से जाकर पूछोगे तो क्या वो बीज से कुछ लेना चाह रहा है? That is why he is given seed. That's what I'm doing. वो बोलेगा बीज से तो कुछ देने के लिए मुझे मिला है। The word is the seed. It was given expressly for the purpose
of taking it and using it like a seed so that it will produce. मुझे इसलिए दिया है जानबूझकर कि मैं उसे लूं, उसको लेकर बोऊं और वहां से कुछ उल्टा पाऊं. People accuse you for using it. उसे उपयोग करने में लोग तुम्हें डांटते हैं. If you keep it in the shelf, nobody is accusing you. अगर उसे तुम जाके शेल्फ में रख लो तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा. Under your pillow and sleep also, they don't say anything. तकिए के नीचे रख लो तब भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. And these people will come to your house and wave the Bible at your house. और ये लोग तुम्हारे घर में बाइबल लेकर आएंगे, बाइबल को हाथ में लेके हिलाते रहेंगे. Because they're chasing out all the bad spirits. क्योंकि वहाँ पर सभी आत्माओं को, बुरे आत्माओं को बाहर भगा रहे हैं. You know, all that is right. वो सब बिल्कुल ठीक है. Just like, you know, the health and wealth. उसी तरह जैसे देखिए स्वास्थ्य और संपत्ति वाली बात. One man is saying the disease, it's a disease. Health and wealth is the latest disease that has come. एक व्यक्ति कह रहा था कि ये स्वास्थ्य और संपत्ति जो एक तरह का रोग है जो आया है. Educated man. बड़ा लिखा आदमी है. But sometimes when you get too educated, you get crazy, you know. पर कभी-कभी देखिए ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो उनका दिमाग खुल जाता है. How can you call health sickness? Health disease. कैसे आप जो है स्वस्थ को एक रोग कह सकते हो, बीमारी कह सकते हो? You have something wrong. तुम में कोई गलती है. Something is really wrong. How can you call health a disease? कैसे आप स्वस्थ को एक बीमारी कह सकते हो? How can you call health an evil? कैसे आप स्वस्थ को बुरा कह सकते हो? Have you ever been sick? क्या आप कभी बीमार हुए हो? I've been sick. मैं बीमार हुआ हूं. And when I was sick, I was glad that I was healed. और जब मैं बीमार हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं चंगा हो गया. When I was sick, I was glad to be healed. जब मैं बीमार था तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मैं चंगा भी हो रहा हूं. I was glad to get out of the hospital. अस्पताल से बाहर आने में मुझे बहुत खुशी हुई. Sickness is a terrible thing. It makes you lie down and doctor says don't get up for next 3 weeks. बीमारी जो बहुत ही बुरी चीज है और डॉक्टर कहते हैं कि 3 दिन बिस्तर से मत उठो. You are alive, but you can't do anything. तुम जीवित तो हो पर कुछ नहीं कर सकते. You can't preach, you can't do what you're called to do. प्रचार नहीं कर सकते, जिस काम के लिए बुलाया गया उसे नहीं कर सकते. To be able to be healed and get out and go do what you do is a blessing, not a disease. चंगा होना, बाहर जाकर जिस काम के लिए तुम बुलाया गए हो उसे करना जो है बहुत बड़ा आशीष है. I just can't understand our Christian logic. हमारे ईसाई लॉजिक को only Christians will call. Only some Christians are there. Some only nowadays. They've reduced greatly. Only some Christians will call health a disease. कुछ ही लोग हैं जो कहते हैं कि स्वस्थ जो एक तरह की बीमारी है. How can you call wealth a disease? कैसे आप संपत्ति को एक बीमारी कह सकते हैं? I mean, a person got to be really sick to call wealth a disease. एक व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो सचमुच संपत्ति को बीमारी कहे तो उसमें कोई गलती है. Right? ठीक है. I mean, if you are able to send your kids to college and help them fulfill their dreams and become what they want to become and do all these, if you are able to do that, wonderful. If you are not able to do it, you got a problem, my friend. That's like a disease. That's worse than a disease. देखिए, अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हो, जो वो पढ़ना चाहते हो उसे अगर आप पढ़वाना चाहते हो और उसमें कामयाब हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप उनकी इच्छाओं को पूरा न कर पाओ तो वही एक बीमारी के रूप में. Get an admission, how many lakhs they want. जरा कोशिश करके देखिए एक एडमिशन के लिए कितने करोड़ मांगते हैं. Everything is in lakhs and soon it will become crores. सब कुछ जो है लाखों में जाता है और बहुत जल्दी करोड़ों में पूछेंगे. Any education is lakhs. कोई भी पढ़ाई हो वो लाखों में and होती you better have some health and wealth. तो अच्छी बात यही है, बेहतर यही है कि आप स्वस्थ और संपत्ति right? रखो. ठीक है. And these people are saying wealth is bad. और ये लोग कहते हैं कि संपत्ति बहुत बुरी चीज़ है. What evil did wealth do to you? संपत्ति ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? So people have got a very negative attitude about these. लोगों के पास जो है एक बुरी सोच है इसके बारे में. Positive confession is only about just taking the word of God and speaking it, sending it forth into our problems. So that our problems are changed by the power of God's word, which is in the नकारात्मक अंगीकार का मतलब यह है कि हमारे परिस्थितियों को लेकर परिस्थितियों में इस बातों को अंगीकार करें और उस परिस्थितियों को पूरी तरह से विश्वास में बोल बोल कर ठीक करें. So let me give you a basic thing on a confession. अंगीकार के बारे में एक बुनियादी बात मैं आपको बताता हूं. There are four kinds of confession. चार प्रकार के अंगीकार हैं. I guarantee you by the end of this sermon you will know something really about confession. मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस संदेश के खत्म होते ही आप ठीक हो जाओगे. You will know what the Bible says about confession, the New Testament says about confession. और अंगीकार के बारे में नया नियम क्या कहता है.
कहता है पूरी तरह से जान लोगे। नो व्हाट काइंड ऑफ कन्फेशन यू मस्ट होल्ड ऑन टू। आप जान लोगे कि किस तरह के अंगीकार को आपको बोलना है। यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ कन्फेशन यू शुड नॉट होल्ड ऑन टू एंड व्हाट काइंड ऑफ कन्फेशन यू मस्ट होल्ड ऑन टू। किस तरह का अंगीकार आपको नहीं बोलना चाहिए और किस तरह का अंगीकार तुम्हें हर वक्त बोलना चाहिए। That's the whole purpose of tonight's sermon. आज शाम के संदेश का मुख्य विचार यही है। To the Bible to look at the four kinds of confession. मेरे साथ मोड़ लीजिए और देखते हैं चार प्रकार के अंगीकार क्या हैं। The first kind of confession is found in Matthew's Gospel chapter 3. सबसे पहला अंगीकार जो है मत्ती रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय में हम देख पाएंगे। Let me read to you verse 5 and 6. पांचवा और छठा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। Then Jerusalem, all Judea and all the region around the Jordan went out to him, that is John the Baptist, to John the Baptist, and were baptized by him in the Jordan. Confessing their sins. तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उसमें बाप्तिस्मा लिया। He's talking about people going out to get baptized by John the Baptist. यूहन्ना बाप्तिस्मा के द्वारा यर्दन में उतरकर बाप्तिस्मा जो लोग रहे थे उसके बारे में बताया। How did they go to him and get baptized? कैसे वे उसके पास गए और बाप्तिस्मा लिया? It says they confessed their sins and got baptized. उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर बाप्तिस्मा लिया। So here is what is called one kind of confession called the confession of sins. यहाँ पर जो पापों के अंगीकार के बारे में बताया गया है। Now a lot of Christians think there is only one kind of confession in Christianity, that is the confession of sins. बहुत सारे ईसाई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही तरह का अंगीकार है, वह पापों के अंगीकार। Somehow, you know, they have been led into this idea. इसी तरह जो है इस सोच में चलाए गए। They think there is only one kind. When Christians talk about confession, they think it is about certainly confession of sins. जब ईसाई लोग अंगीकार के बारे में कहते हैं तो सिर्फ एक ही अंगीकार और वह है पापों के अंगीकार। But confession of sin is there, but that is the only one of the four kinds. पर पापों का अंगीकार तो है पर चार प्रकार में पहला भाग है। And this confession of sins that we read about was done by the Jewish people as they were getting spiritually renewed under the ministry of John the Baptist and going back to their God whom they have forgotten and backslidden from. पापों का अंगीकार जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन दिनों में जो हो रहा था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार के द्वारा आत्मिक रूप से नया हो रहे थे और वे परमेश्वर से हट जाने के कारण वापस परमेश्वर के पास आने के लिए कर रहे थे। Before John the Baptist there was no great prophet doing saying thus saith the Lord, you know. यूहन्ना बपतिस्मा से पहले जो है 400 साल पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कहता था कि यहोवा की वाणी है। 400 slowdown, literally. 400 साल आत्मिक रूप से धीमे हो गए। Here is a revival happening. John the Baptist, a very strange person, going around and preaching a very powerful message, and crowds are going after him. यहाँ पर एक बहुत बड़ा जागरण हो रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है। बहुत बड़ी भीड़ जो उसके संदेश को सुनने के लिए जा रही है। What was his message? उसका संदेश क्या था? Repent, he said. मन फिराओ। What does repentance mean? मन फिराने का मतलब क्या है? It means you've forgotten God, you've forgotten who you are, the covenant that God made with your forefather Abraham, you've forgotten the promises, you've forgotten everything. Come back to God. उसका मतलब यह था कि मन फिरो, मन फिर कर परमेश्वर के पास आओ। तुम्हारे वाचे जो तुम्हारे पूर्वज अब्राहम के साथ किया था, सब को तुम भूल गए हो। मन फिर कर वापस परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर के पास आओ। Repent of your sins. अपने पापों से मन फिरो। You've gone wrong. तुम गलत रास्ते में जा चुके हो। Come back to God was the message. वापस परमेश्वर के पास आओ। यही संदेश था। And getting baptized. और इस बात को सुनकर लोग मन फिर कर बापतिस्मा ले रहे थे। This is not a Christian baptism. यह जो है मसीह बापतिस्म का बारे में नहीं है। There is a difference between John the Baptist baptism and a Christian baptism. यूहन्ना बापतिस्मा देने वाले उस बापतिस्मा में और मसीह बापतिस्मा में अंतर है। In the 19th chapter of Ephesians itself, from where we read the first verse, you know, you read the first six verses, it talks about Paul going to Ephesus and meeting some disciples of John the Baptist. इफिसियों में अगर हम देखें तो पहले छह वचनों में देखते हैं जाकर वे वहां के कुछ लोगों से बात करता है। And they are John the Baptist disciples. और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले हैं। They are John the Baptist disciples and therefore I think that they were already baptized by John the Baptist and they say so. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पहले से ही जो बपतिस्मा ले चुके थे। They say, yeah, you know, we are John the Baptist disciples and we know the baptism of John the Baptist. और कहते कि हाँ, हम यूहन्ना के चेले हैं और बपतिस्मा के बारे में अच्छी तरह हम जानते हैं।
So they're baptized people. तो वे बपतिस्मा लिए हुए लोग थे. But Paul tells them about Christ and baptizes them again with the Christian baptism in the name of the Father, Son, and the Holy. पर पौलुस जो है जब यहाँ पर बात करता है तो वहाँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा बपतिस्मा के बारे में कहता है. Baptizes them again. वो उन्हें वापिस बपतिस्मा देता है. If the John the Baptist baptism is Christian baptism, what is the reason for baptizing them again? देखिए अगर यूहन्ना का बपतिस्मा ही मसीह बपतिस्मा है तो वापिस बापतिस्मा देने का कारण क्या है? John the Baptist baptism is not Christian baptism. यहोना का बापतिस्मा जो है मसीह बापतिस्मा नहीं है. It's a Jewish baptism. वह यहूदी बापतिस्मा है. Jewish people coming back to God, it's a different baptism. यहूदी लोग वापस परमेश्वर के पास आते हैं तो वह एक अलग सा बापतिस्मा है. Now since Christ has died and risen again and done everything, the redemptive work, now the people are baptized in the name of Jesus. अब मसीह जी उठा है, छुटकारे का काम हो गया है और अब लोग जो है यीशु के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं. So the John the Baptist baptism is not Christian baptism. So यहूना का बपतिस्मा जो है मसीह बपतिस्मा नहीं. Even the baptism that Christ took from John the Baptist was a little different. मसीह यीशु ने जो यहूना से बपतिस्मा लिया था वह भी एक अलग सा बपतिस्मा है. Remember John, Jesus comes to John as he was baptizing people. याद है जब लोगों को बपतिस्मा दे रहा था यहूना तब यीशु वहां पर आता है. And he says, "Baptize me, John." और वह कहता है यहूना मुझे बपतिस्मा दो. John was shocked because he knew who he was. यहूना आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह कौन है. He said, "Lord, I shouldn't baptize you. You should baptize me." कहता है प्रभु मुझे बपतिस्मा नहीं देना चाहिए तुझे मुझे देना चाहिए. Because here is a person who doesn't need baptism coming and asking baptism. क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसे बपतिस्मा की जरूरत नहीं है वो आकर पूछता है मुझे बपतिस्मा दो. He doesn't need baptism at all. उसे बपतिस्मा की जरूरत ही नहीं है. Because John the Baptist baptism was for people who repented and came back to God. Jesus doesn't have anything to repent. He's perfect. क्योंकि यहोना का बपतिस्मा जो एक ऐसा बपतिस्मा था जिसके द्वारा लोग उसके संदेश को सुनकर मन फिरकर वापस परमेश्वर के पास आ रहे थे. He doesn't need any baptism at all. यीशु को किसी बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी. So he says, "You baptize me. I shouldn't baptize you." कहता है कि तुम मुझे बपतिस्मा दो मैं नहीं देना चाहता. Strange is the answer of Jesus to John the Baptist. यीशु का जवाब था बहुत ही अजीब सा जवाब था यूहन्ना के लिए. He said, "Let's do it in order to fulfill all righteousness. You baptize me. I will take the baptism, even though I don't need it. I know I don't need repentance. I know I'm not backslidden. I don't have any problem. But still, you baptize me." Because all righteousness must be fulfilled. यीशु कहता है कि धर्म के कामों के लिए यही बिल्कुल ठीक बात है. मुझे मालूम है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है. मुझे परमेश्वर के पास आने की जरूरत नहीं है. पर धर्म के कामों को पूरा करने के लिए मुझे करना जरूरी है. That baptism he took prefigured the Christian baptism. It's not Christian baptism, but prefigured Christian baptism. जो बपतिस्मा उसने लिया था वो मसीह बपतिस्मा नहीं था बल्कि उसका प्रीफिगर बपतिस्मा था. In what way? किस रीति से? What kind of baptism do we take? किस तरह का बपतिस्मा हम लेते हैं? What condition do Christians get baptized? किस स्थिति में जो है मसीह लोग बपतिस्मा लेते हैं? Are they getting baptized? You know, are they getting baptized because they have been God's people? They have backslidden and now they are coming and returning to God, repenting and getting baptized. क्या परमेश्वर के लोग हैं? क्या उन्हें मन फिराया है? क्या वो परमेश्वर से दूर हटकर जो है वापिस परमेश्वर से जो है बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं? No. नहीं. You know how Christian takes baptism? मालूम है कैसे मसीह लोग बपतिस्मा लेते हैं? He's born again. वह वापिस जन्म लेता है. His sins have been washed out. उसके पाप धुल गए. He's become a new creation. वह एक नई सृष्टि बन गया है. The Spirit of God now dwells in him. परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर बास करता है. He's in a state and condition where God sees no sin in him. वह एक ऐसी स्थिति पर आकर रुक जाता है कि परमेश्वर उसमें कोई पाप नहीं देखता. He's got the righteousness of Jesus. उसके पास जो मसीह की धार्मिकता है. That simply means he is as right before God as Jesus. वह परमेश्वर के सामने ऐसे खड़ा है जैसे यीशु खुद वहां पर खड़ा हो. यीशु की समान. It means that God looks at the believer who has put his faith in Christ as he looks at Jesus. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर उस विश्वासी को ऐसे ही देखता है जैसे परमेश्वर यीशु को देखता है. Jesus was righteous. यीशु बिल्कुल धार्मिक था. The Bible says his righteousness is imputed to us. बाइबल कहता है कि उसकी धार्मिकता हमारे अंदर दी गई. Therefore God looks at us
having the righteousness of Jesus. इसलिए परमेश्वर जो है यीशु मसीह की धार्मिकता को हमारे अंदर देखता है. In that state and condition only we take baptism. उसी स्थिति में जो है परमेश्वर हमें देखता है. Baptism doesn't make us righteous. बपतिस्मा हमें धार्मिक नहीं बना देता. Baptism doesn't make us right. बपतिस्मा हमें सही नहीं करता. No. नहीं. Baptism is an outward symbol of what has happened inward already. बपतिस्मा जो है एक बाहरी रूप का बदलाव है जिसका पूरा कारण भीतरी बदलाव के कारण हो रहा है. Because of baptism you are not changed. बपतिस्मा के कारण तुम नहीं बदले हो. Because of baptism you are not born again now. तुम्हारे बपतिस्मा के कारण तुमने नया जन्म नहीं लिया है. That's wrong. वो गलत बात है. You are born again. That's why you are baptized. तुमने नया जन्म लिया है इसलिए तुमने बपतिस्मा लिया है. You see some water on the window. देखिए खिड़की पे अगर थोड़ा पानी देखते हो. And because the water is on the window. Does it mean it's going to rain? पानी अगर खिड़की में हो तो उसका मतलब ये नहीं है ना बरसात होने वाली है. Raining. बारिश हो रही है. It's pouring. That's why the window is wet. बरसात हो रहा है इसलिए खिड़की गीला right. हुआ है, है ना? Similarly, the thing has already happened inside. There change has already happened. उसी रीति से पहले से बदलाव तुम्हारे अंदर हो गया इसलिए तुमने बपतिस्मा लिया. Now, outwardly, this is a demonstration that you're dead to your old sinful life. You're alive to God. You become a new creation, new man. Baptism symbolizes that. देखिए बाहरी रूप से उस बदलाव का चिन्ह यह है कि तुम जो तुम्हारे पाप के लिए मर गए हो, बुरी चीजों के लिए मर गए हो, मसीह में तुमने नया जन्म ले लिया है. You're more than enough for me. Everybody, say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough.